अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन एयर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बफालो चिकन विंग्स की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा सा इसका एक कलर आता है, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें करेंगे चिकन को रेडी। तो इसके लिए चाहिए आपको 300 ग्राम चिकन विंग्स। आप इसको वॉश करके ड्राई कर लेंगे। नमक यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। काले मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मैदा आपको चाहिए 1/2 कप। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले चिकन विंग्स के अंदर नमक, काले मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और मैदा लगाकर अब आपने इसको अच्छे तरीके से विंग्स के साथ मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि विंग्स अच्छे तरीके से इससे कवर हो जाए। अब आप इसको 20 मिनट्स रख देंगे और 20 मिनट्स के बाद आप इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए और फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे और ना ही हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद जब एक साइड से 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो एक साइड से 5 मिनट हो चुके हैं तो अब मैंने टर्न कर देती हूँ और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हो चुके हैं ये। अब हो चुके हैं ये रेडी। तो अब मैं विंग्स को निकाल लूँगी। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, इसमें बनाएंगे बफालो सॉस। तो इसके लिए चाहिए आपको सफ़ेद सिरका 2 टीस्पून, ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, टोमेटो केचप 1/4 कप, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, बटर चाहिए आपको 2 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। तब आप फ्राइंग पैन के अंदर बटर ऐड करेंगे अबाउट 2 टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें टोमेटो केचप, चिली सॉस और विनेगर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर और ब्राउन शुगर। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सॉस बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे तरीके से मिक्सिंग के बाद इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1/2 टीस्पून और इसके बाद आप इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। कॉर्नफ्लोर से सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। सॉस एकदम रेडी हो चुकी है। तो जो विंग्स फ्राई किए थे उसमें जो सॉस बनाई है वो हम पूरी की पूरी इस पर डाल देंगे। और अब आप इसको अच्छी सी प्लेट के अंदर सर्व करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है, फ्लेवर बिल्कुल अलग है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।